नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। जी हाँ, आपके सिलेबस में दिया हुआ है कंप्यूटर का सामान्य परिचय। आजकल हम देखते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, हर किसी एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में जैसा दिया है, हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, ये कंप्यूटर को जोड़ने की ज़रूरत क्या थी, आखिर कंप्यूटर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर में, तो आज हम बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं और हमारी ये पूरी सीरीज चलेगी। हम ए टू जेड चीज़ों को कवर करेंगे इसमें। तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर। तो बताओ मुझे, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक के नाम से जानते हैं, ये हम आगे जानेंगे। उससे पहले कंप्यूटर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो सीधा सा आपने देखा होगा आजकल चारों तरफ एक टेक्नोलॉजी का नाम चल रहा है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। नाम सुना है ना सभी लोगों ने, क्योंकि कंप्यूटर को पढ़ने से पहले हमें उसी को जानना जरूरी है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सर इसमें कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है, तो इसी को हम समझते हैं। पहले हम देखने वाले हैं कि हमारे आसपास जो भी टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है उसमें कंप्यूटर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी मैंने यहाँ पर लिखा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। क्लियर। अब यहां पर आपने देखा कि सर ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में एक एक चीज हमें बताइए, सूचना क्या है, संचार क्या है। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने सुना है डाटा के बारे में। इन सबको जानने से पहले आपको जानना जरूरी है डाटा क्या होता है, डाटा या आप जिसको डेटा बोल देते हो, डेटा या डाटा बताइए, तब तो हम कंप्यूटर को समझ पाएंगे, तब हम सूचना को समझ पाएंगे, तब हम संचार को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले डाटा क्या होता है, अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं। अव्यवस्थित आंकड़े मतलब आप देखते हो आपको बहुत सारे नंबर दिखाई देते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या आपके काम के हैं वो नंबर। आपको बहुत सारे अक्षर दिखते हैं, ABCDEFGHIJKLMN, पूरे ABCD के अक्षर, या आ वा सादा हिंदी के अक्षर, ये सब क्या है, डाटा है। हमारे आसपास बहुत सारा डाटा भरा हुआ है, क्या वो सब हमारे काम का है, नहीं। अगर आप 10वीं में है तो 10वीं की चीज़ें आपके काम की हैं, आप 11वीं में है तो वो काम की हैं, आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके काम की हैं। तो सबसे पहले डाटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर अव्यवस्थित आंकड़ों को क्या कहा जाता है, डाटा कह दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं, अव्यवस्थित आंकड़े। अभी मैं आपको सारी चीज़ें लिखी हुई और बिल्कुल दिखाऊंगा, पहले मैं आपको एक एक चीज़ आपके दिमाग में फिट कर रहा हूँ। अव्यवस्थित आंकड़े क्या कहलाते हैं, आंकड़े डाटा कहलाते। तो सर अव्यवस्थित आंकड़े कितने प्रकार के हैं, तो पेपर में आपसे क्वेश्चन आएगा कि डाटा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपका एक हो जाएगा न्यूमेरिकल डाटा और एक अल्फाबेटिकल डाटा। कौन कौन सा हो जाएगा, न्यूमेरिकल। अब सर ये न्यूमेरिकल क्या होता है, तो न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर के फॉर्म में होता है, नंबर के रूप में होता है, नंबर के रूप में, नंबर के रूप में बोले तो 1 2 3 और ऐसे कुछ भी नंबर हो सकता है, या फिर वो बोल देगा अल्फाबेटिकल फॉर्म में हो सकता है, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल फॉर्म में हो सकता है मतलब अल्फाबेट के रूप में हो सकता है, अल्फाबेट के रूप में आपसे ABCD करके दे सकता है, या आ वा सा दा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके दिमाग में एक चीज पता चल गई कि सर दुनिया में बहुत सारा डाटा है, चाहे वो साउंड के रूप में है, चाहे वो आप बोलो चित्र के रूप में है, इमेज के रूप में है, आपके जो काम का है आपको वही जरूरत है। आप अगर मान लो आपको किसी को मोबाइल नंबर बताना है, तो क्या आप पूरे 1 2 3 4 ऐसे नंबर सुनाओगे, नहीं, आप अपना मोबाइल नंबर बता दोगे। तो भाई हमें ये डाटा क्यों बताया जा रहा है, इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस डाटा में से हमें क्या करना है, हमारे काम की चीज़ निकालनी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूचना। तो अब हम चलते हैं एक और चीज़ पर कि भाई सर अब मुझे बताओ ये सूचना क्या है। डाटा आप समझ गए, अब हम समझने वाले हैं क्या, सूचना। तब तो आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर की ज़रूरत क्या है। तो सूचना ये लीजिए, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सूचना क्या होती है,
इन्फॉर्मेशन क्या होती है? तो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जितने भी अव्यवस्थित आंकड़े हैं, अव्यवस्थित आंकड़े या फिर आप बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करके हम उनमें से जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे सूचना कहते हैं। तो आप बोल सकते हो विभिन्न प्रकार के, बस अपने दिमाग में ये एक चीज याद रखना, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करके, आंकड़ों का आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना। आंकड़ों का विश्लेषण करके करके प्राप्त जानकारी क्या कहलाती है? प्राप्त जानकारी क्या कहलाती है? प्राप्त जानकारी क्या कहलाती है? आपकी सूचना कहलाती है। आपने नंबर को क्या करा? आइडेंटिफाई किया, उनमें से आपने जानकारी निकाल दी, बजट आया, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन आपके पेपर में जो पूछा जाएगा वो चीज निकाल ली आपने, वो सूचना कहलाती है। सरकार बहुत सारी चीजों में से आपको जो चीज देती है वो इन्फॉर्मेशन है। आप टीवी पर डेली जो डाटा देखते हो वो इन्फॉर्मेशन है। तो मतलब जो आपके काम की चीज होती है वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो सब चीजें क्या है? डाटा है। अब हमने देखा सर इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, तो आपने हमें अभी बताया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब सर ये संचार क्या होता है? सूचना हम समझ गए, डाटा सूचना समझ गए, अब संचार क्या होता है? अब आप अपने दिमाग से बताओ, कुछ कठिन नहीं है। अगर आप ये बेसिक लेक्चर आज का समझ जाते हो तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी कंप्यूटर में, ना हम रटेंगे ना कुछ करेंगे, बस समझेंगे। हमने समझ लिया डाटा अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, फिर हमने देखा सूचना वो अनेक प्रकार के आंकड़े, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करके जो जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे लड़की के लिए रिश्ते आते हैं, 10 लड़के हैं, अब वो देखती है जानकारी के हिसाब से कि कौन सा अच्छा है, कौन कितना कमाता है, कौन अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब चीज़ें, सरकारी नौकरी है तो सोने पे सुहागा है, वो उसको पिक करती है, हर किसी को नहीं करती। चल जाएगा काला भी, जो उसकी सूचना में रहेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वो उन आंकड़ों में से उसको पसंद कर लेगी। तो सूचना आप समझ गए कि अनुपयोगी जो आंकड़े हैं उनमें से आप जो जानकारी इकट्ठा करते हो विभिन्न आंकड़ों में से, उसे सूचना कहते हैं। अब संचार क्या है? चलिए अब आप बोलोगे सर संचार, तो अब यहां से काम चालू होता है पूरे हमारे कंप्यूटर का, संचार। तो संचार का मतलब होता है कि भैया जो भी आपने सूचना इकट्ठी की है, तो सूचना को, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, दूसरे स्थान तक भेजना। अब भैया कोई भी आपकी जानकारी है, आपको पसंद आ गई लड़की या लड़का, तो आपने जानकारी मम्मी को भेज दी, उनके घर पे भेज दी, इधर भेज दी, उधर भेज दी, या आप पास हो गए, वो जानकारी आपने चारों तरफ फैलाई, तो आप फैलाते किस चीज़ से हो? तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देख रहे हैं संचार क्या है, कि भैया सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, वो कहलाता है हमारा संचार। अब हमने देखा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है सर, टेक्नोलॉजी क्या है। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इतना क्लियर हो गया, फिर मैं आपको एक एक चीज़ अभी बेस बना रहा हूँ आप लोगों का। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि सर सूचना एवं संचार, आपने सूचना बता दिया एवं संचार बता दिया, सूचना एवं संचार, अब ये प्रौद्योगिकी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, तो यही तो हमको पूरा पढ़ना है कंप्यूटर। अब देखो, तो हमने इतना देखा कि भैया सूचना संचार, अब संचार में क्या होता है, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। तो अब भेजने के लिए हम जिस युक्ति का यूज करते हैं, जिस तकनीकी का यूज करते हैं, उसे कहते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब यहाँ से अगर आपको कोई भी एक सूचना को यहाँ भेजना है, तो अब आप कैसे भेजोगे, किसकी मदद से भेजोगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर रोल आ जाएगा आपके कंप्यूटर का, किसका आ जाएगा, कंप्यूटर का रोल आ जाएगा। तो याद रखना, इसीलिए हमें कंप्यूटर पढ़ना है कि हम क्या करते हैं, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, और भेजने के लिए हम जिन उपकरणों का यूज़ करते हैं उनको हमको पढ़ना है। और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण कौन सा है, कंप्यूटर है, कौन सा है, कंप्यूटर है। तो आप समझ गए सूचना क्या है,
तो आप बोलोगे विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करके जो जानकारी प्राप्त होती है वो सूचना है। सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना संचार है, और संचार करने के लिए जिस तकनीक का यूज किया जाता है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। अब ये संचार प्रौद्योगिकी के अवयव क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो कंप्यूटर आ जाएगा उसमें, आपकी टीवी आ जाएगी, टेलीविज़न आ जाएगा उसमें, आपका मोबाइल आ जाएगा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी तो भेजते हैं। अब भेजने के साधन क्या हो सकते हैं, तो भेजने के साधन आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, आप वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं, या आप तार के माध्यम से भेज सकते हैं कि भैया हमने तो एक ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखी है, हमने तो ट्विस्टेड पेयर वायर बिछा रखा है, हमारे घर पे तो कोई दूसरा साधन है। तो भेजने के आपके तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन भेजेंगे किससे, कंप्यूटर से भेजेंगे, टीवी के द्वारा भेजेंगे, मोबाइल के द्वारा भेजेंगे। क्लियर हो रहा है इतना? इसीलिए सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला उपकरण कंप्यूटर हमारे सिलेबस में ऐड किया है। तो अब हम चालू करेंगे हमारा कंप्यूटर। ये देखिए, सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में बता दूं मैं, सूचना एवं संचार के क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ये तो आप सभी को पता है, ये तो नॉर्मली लाइन मैंने आपको बता दी है। डाटा क्या होता है, कच्चे अर्थात अव्यवस्थित आंकड़ों को जो मैंने आपको बताया है डेटा के रूप में जाना जाता है। डेटा दो रूपों में होते हैं, एक संख्यात्मक, एक अल्फा न्यूमेरिकल, मतलब संख्यात्मक भी हो सकता है और संख्या के साथ में आपका अल्फावेटिकल भी हो सकता है, उदाहरण के लिए 1 2 3 4 ए बी सी डी ये। और सूचना क्या होती है, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करके जो परिणाम प्राप्त होता है वो हमें सूचना कहलाती है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो टेंशन मत लेना, मैंने बता दिया। और सूचना व्यवस्थित एवं उपयोगी होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सी चीज व्यवस्थित होगी, तो सूचना या डाटा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सूचना व्यवस्थित और उपयोगी होती है। आपको जो चाहिए, जो जानकारी आपके पेपर में आएगी वो मैं आपको दे रहा हूँ। दुनिया में तो कितनी सारी किताबों में डाटा भरा हुआ है। आपको उर्दू थोड़ी पढ़नी है, मलयालम थोड़ी पढ़नी है, हिंदी थोड़ी पढ़नी है, आपको पढ़ना है कंप्यूटर, तो मैं वो ही सूचना आपको दे रहा हूँ। क्लियर? क्लियर। चलिए, अब संचार क्या होता है, तो हमने देखा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार होता है। संचार के विभिन्न प्रकार के माध्यम होते हैं जिनके द्वारा इंटरनेट, एलईडी, वाईफाई, ये हम सब पढ़ेंगे। ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। प्रौद्योगिकी क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे हम सूचना एवं संचार तकनीकी कहते हैं। अब इस तकनीकी के मैंने आपको बताया था अवयव, तो उपकरण कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है, टीवी होता है, यही तो मैंने अभी आपको बताया। और किस किस के द्वारा भेजेंगे माध्यम, तो आपका तार वाला माध्यम हो जाएगा, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, ये देखो प्रकाशिक तंतु तार के माध्यम से, इसको मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ। और यहाँ ब्लूटूथ, वाईफाई, ये बेतार तकनीकी हैं। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना चालू करना है, हमारा कंप्यूटर। सर ये कंप्यूटर क्या होता है, ये देखिए आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर। चलते हैं बोर्ड पर समझते हैं, फिर मैं यहाँ पर बताऊँगा या यहीं पर आपको समझा देता हूँ, आपको क्लियर होगा। देखिए कंप्यूटर, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये कंप्यूटर किस शब्द से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे सर जो कंप्यूटर है ना ये कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना होता है, कंप्यूट से मिलकर बना होता है, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, कंप्यूट शब्द से बना है। क्लियर? एक एक चीज को समझते चलना, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा। कंप्यूट से बना है, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। क्या करना? गणना करना। गणना मतलब कैलकुलेशन करना, गणना करना। तो कंप्यूटर क्या है सर, हमें अगर परिभाषा बतानी है तो हम सरल भाषा में बोल सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आसानी से, सरलता से गणना कर देती है। तो बिल्कुल सरल है, गणना करना, कैलकुलेशन करना। आप कोई भी, जो भी आपको सूचना चाहिए उस डाटा को सूचना में परिवर्तित करने का माध्यम कौन है, कंप्यूटर है। तो सर कंप्यूटर करता क्या है, तो कंप्यूटर के कार्य देखते हैं यहीं पर, मैं इसी में बता रहा हूँ, परिभाषा में ही आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए यहीं अगर हम देखें तो कंप्यूटर के अगर आपसे पूछे कि भाई करता क्या है, कार्य क्या है, फिर हम इसकी परिभाषा बताऊंगा मैं आपको, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। दिख रहा है ना? हाँ, आप देखो ये कंप्यूटर तीन कार्य करता है। सबसे पहला कार्य करता ये इनपुट के रूप में डाटा को लेता है। तो सबसे पहला काम क्या करता है, ये इनपुट के रूप में अभी लिखा हुआ भी दिखा दूंगा मैं, यहाँ पे बता रहा हूँ, इनपुट के रूप में ये क्या करता है, डाटा को संग्रहित करता है,
डाटा को संग्रहित करता है, स्टोर करता है, क्लियर, संग्रहित बोले तो स्टोर करता है। पहली चीज, जो भी जितना डाटा है आप इसमें डाल दो, 2+2, 2×2, 2^4, 5, 6, जो आपको करना है वो आप इसमें इनपुट दे दो। इनपुट के बाद में ये क्या करता है, ये उसको प्रोसेस करता है, क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो सबसे पहले हमने बोला कि इनपुट के रूप में डाटा को स्टोर करेंगे, फिर कंप्यूटर प्रोसेस करेगा किसके माध्यम से, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो उसमें रहेगा। हम आगे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, तो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसे किस में बदलेगा, प्रोसेस किसके माध्यम से कर देगा, चलो मैं बता देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर देगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसे जानकारी में परिवर्तित कर देगा, सूचना में परिवर्तित कर देगा, और फिर क्या करेगा, तीसरा काम आउटपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में जानकारी या सूचना प्रदान करेगा, प्रदान करता है, क्लियर। तीन काम आपको इसके याद रखने हैं, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है। तो आप कंप्यूटर की परिभाषा क्या बोल सकते हो, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, आप जो भी कंपोनेंट्स होते हैं रैम रोम वगैरह सब चीज़ यूज करते हैं, विद्युत से चलती है। तो आप बोल रहे हो कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डाटा को संग्रहित करती है और अपने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा को प्रोसेस कर आउटपुट के रूप में परिणाम प्रदान करती है या जानकारी प्रस्तुत करती है, जानकारी प्रदान करती है। कितना सरल है, कुछ कठिन नहीं है। ऐसे पढ़ोगे तो आपको कार्य भी पता चल गया कि वर्क क्या होते हैं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये इनपुट लेता है, इनपुट कैसे लेगा, तो इनपुट लेगा ये इनपुट डिवाइस के द्वारा। हम आगे पढ़ेंगे इनको, तो हमें क्या पढ़ना है, इनपुट डिवाइस पढ़ना है, ठीक है। जितने भी इनपुट डिवाइस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब डाटा को संग्रहित करता है तो सर स्टोर कहाँ करेगा, स्टोर करने के लिए हम मेमोरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे, मेमोरी हम पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं सारी चीज़ें। तो जो मेमोरी है उसमें रैम रोम कैश मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, उनको हम पढ़ेंगे। सर प्रोसेस करेगा सॉफ्टवेयर के रूप में, तो सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आ जाएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर आते हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे। प्रोग्राम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर आउटपुट किसके माध्यम से देगा, तो आउटपुट के लिए हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हम देखेंगे। तो क्या आप किसी आउटपुट डिवाइस का नाम बता सकते हो, तो आप बहुत सारे आउटपुट डिवाइस बोलोगे कि सर सबसे पहले तो आपके सामने जो दिख रही है ये स्क्रीन मॉनिटर ही आउटपुट डिवाइस है। आप बोलोगे इनपुट डिवाइस, तो आप बोलोगे सर ये कीबोर्ड ही तो इनपुट डिवाइस है, माउस ही तो इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो ये हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अब मुझे इतना क्लियर हो गया और आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डाटा को, अब आप समझ गए, डाटा मतलब अव्यवस्थित आंकड़ों को लेती है, उसको सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोसेस करती है, क्यों, ताकि जानकारी में बदल सके, काम की चीज़ों में बदल सके, और बदलने के बाद आउटपुट के रूप में हमें जानकारी देती है, क्लियर। अब आप मुझे ये बात बताओ, कंप्यूटर क्या आज के समय में जो कंप्यूटर हैं वो कई साल पहले वही कंप्यूटर होते थे क्या, बताओ मुझे। तो आप बोलोगे नहीं सर, पहले भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, आज के जैसे कंप्यूटर नहीं थे, आज आप देखते हो पूरी चीज़ें व्यवस्थित हैं, लेकिन आज से कई साल पहले वैसे कंप्यूटर नहीं थे, तो कैसे थे, कैसे थे, वो हम अभी बात करेंगे। चलिए इतना क्लियर, मैं इसको हटा रहा हूँ, आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, देखिए आप बढ़िया अपने नोट्स भी बनाते चलिए, पीडीएफ के रूप में तो मैं आपको लिखा हुआ दे रहा हूँ। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो गणनाओं के विश्लेषण को सरलता से कर लेती है, कंप्यूटर कहलाती है, और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ गणना करना है, अर्थात कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है।
वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा आधार कंप्यूटर है, इसलिए हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। यह किसी भी गणना को मानव की तुलना में तीव्रता से कर देता है। मनुष्य जो गणनाएं एक एक दो दो साल में करता है, कंप्यूटर उसे कुछ सेकंडों में पूरा कर देता है। जी हाँ, हम कई साल लगा देते हैं हमारे वैज्ञानिक बैठकर कि ये कैसे निकालेंगे, वो कैसे, कंप्यूटर ने बोला लाओ, चुटकियों का खेल है। यही तो वंडर ऑफ साइंस है, समझ रहे हो ना आप। तो ये चीजें आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। आप थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। कंप्यूटर का देखो पूछ लेता है हम, इसलिए हमें तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। देखो इनपुट मैंने आपको बताया, इनपुट होता है, फिर उसमें प्रोसेस होता है या आउटपुट होता है, ये कंप्यूटर का वर्क होता है, ये कंप्यूटर का कार्य होता है। इनपुट लेना, प्रोसेस, आउटपुट। अब कंप्यूटर क्या है, ये कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है, सामान्य सभी लोगों के लिए कॉमनली यूज होने वाली ऑपरेटिंग मशीन है, एक प्रकार की मशीन है ये, ठीक है, इंसान नहीं है ये। और ये क्या करता है, पर्पजली, किस उद्देश्य से यूज होती है, पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल, मतलब आप तकनीकी क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं, तकनीकी के क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं, आप एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं, और आप रिसर्च के, अनुसंधान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में यूज कर सकते हैं। तो ये तीन शब्द आपके कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर टी का मतलब क्या है। आपको दे देगा वो टेक्नोलॉजी, या आप दे देगा वो टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन, तो आप बोलोगे सर टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी है। आपसे पूछेगा ई का मतलब एजुकेशनल हो जाएगा, आर का मतलब रिसर्च हो जाएगा। तो ये भी आपको हल्की फुल्की चीज़ पेपर में पूछ लेता है, और हम लोगों को लगता है और बहुत अंदर तक जाओ, अंदर चलेंगे लेकिन बेसिक सीखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर आप लोग जो देखते हो, इसमें आपको सीपीयू दिखाई देता है, मॉनिटर दिखाई देता है, माउस दिखाई देता है, कीबोर्ड दिखाई देता है। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, और सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जिसे हम आगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत डिटेल में देखेंगे कि हार्डवेयर के अंदर सीपीयू आएगा, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सब पर चर्चा करेंगे। इतना क्लियर, चलूँ मैं आगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अभी आपने बोला था कंप्यूटर तो आ जाएं, पीढ़ियां पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, कंप्यूटर तो अभी अभी आए, तो गणनाएं तो कई साल पहले से होती हैं, तो कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। अब हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का विकास, क्लियर। तो मुझे आप बता सकते हो दुनिया का पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा था, बता पाओगे। चलिए पहले मैं आपको एक बोर्ड पर रूपरेखा तैयार कर देता हूं, फिर हम उसको पढ़ेंगे। देखो कंप्यूटर का विकास किस रूप में हुआ, कंप्यूटर का विकास मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, आपके माइंड में एक मैप बन जाए। कंप्यूटर का विकास, किस तरह से कंप्यूटर का विकास हुआ, और यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और कोई कठिन नहीं है। देखिए अगर पेपर पास करना है तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, और एक बार आप पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी कोई भी प्रश्न ऐसा लगे जो आपने ना पढ़ा हो। मैं क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा, टॉपिक कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, टॉपिक कवर, क्वेश्चन आंसर्स, तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कंप्यूटर के विकास के क्रम में सबसे पहले एक यंत्र आया था जिसका नाम था अबेकस। क्या था अबेकस, ये क्या था सर, अभी मैं आपको बताऊंगा, अबेकस चित्र भी दिखाऊंगा, बस आप नाम सुन लो एक बार। अबेकस के बाद में क्या आया, पास्कलाइन आया। क्या आया, पास्कलाइन आया, ये सब गणना करने वाले यंत्र थे, पास्कलाइन, ठीक है। पास्कलाइन के बाद में क्या आया, पास्कलाइन के बाद में आया डिफरेंशियल इंजन। कौन सा आया, डिफरेंशियल इंजन, ये याद रखना नाम, डिफरेंशियल इंजन, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आया, तो आप बोलोगे डिफरेंशियल इंजन के बाद में एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन आया, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। अब आप बोलोगे इंजन, हाँ पहले ये मशीनें चल रही हैं, मशीनें बनाई थी पहले गणना करने वाली, फिर डिजिटली बाद में आए, फिर इसके बाद में क्या आ गया था आपका एनालिटिकल सेंसर टेबुलेटर, इसका यूज किया गया था किसमें, सेंसस टेबुलेटर, बस नाम याद रखो। देखो पेपर में टेबुलेटर, यहीं से प्रश्न निकल के आएंगे। फिर क्या आया, सेंसर टेबुलेटर के बाद में हम पढ़ेंगे हमारा कंप्यूटर का यहां से विकास हुआ था, बड़े बड़े कंप्यूटर, मार्क वन आया, उसके बाद में
एटना सॉफ्टवेयरी कंप्यूटर आया, एबीसी के नाम से जाना जाता था। फिर एनियक कंप्यूटर आया, एनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसके बाद में, अच्छा मैं ये कॉमा क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से कंप्यूटर आए। एनियक के बाद में कौन सा आया, तो आप बोलोगे सर एडवेक आ गया था, एडवेक। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म पूछ लेता है, मैं आपको याद करवाऊंगा, तो टेंशन मत लेना, आपको कंप्यूटर का राजा बन जाओगे आप। अब फिर इसके बाद में कौन सा आया, तो आप बोलोगे सर यूनिवेक आ गया था, यूनिवर्सल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आ गया था, या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आ गया था। उसके बाद में एप्पल टू आ गया था, कौन सा आ गया था, एप्पल टू आ गया था। उसके बाद में तो भैया पोर्टेबल कंप्यूटर आ गए थे, पोर्टेबल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पोर्टेबल कंप्यूटर। ये हमको सिर्फ जानना है कंप्यूटर के विकास में, तो मैं आपको एक एक क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ से इतने तमाम प्रश्न निकल कर आते हैं तो इसको छोड़ नहीं सकते हम, क्लियर। तो कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले चलिए मैं स्लाइड पर ले चलता हूँ आपको। सबसे पहला आप देख पा रहे हो ये जो यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है अबेकस, क्योंकि कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट करना, गणना करना। तो दुनिया का पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा था, विश्व का पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा था, अबेकस था। इसे बेबीलोन में, मैसिडोनिया सुना है, बेबीलोन वहाँ पर इसे बनाया गया था। एक लकड़ी के बॉक्स में वायर लगा के, ताल लगाकर इसमें मनके पिरोए गए, छोटे छोटे गुड़िया डालकर उनको गिना जाता था, सिर्फ जोड़ने घटाने के काम में आते थे। तो याद रखना, पेपर में पूछेगा विश्व का पहला गणना यंत्र, तो यहाँ से आपको सीधा प्रश्न निकल कर आएगा, क्या निकल के आएगा, तो आपको याद ये रखना है। चलिए, तो यह एक प्राचीन यंत्र है, इसका आविष्कार कहाँ हुआ था ये आपको याद रखना। ये जो बेबीलोन है, तो बेबीलोन में क्या हो गया था, इसका आविष्कार हो गया था, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में ये बेबीलोन में इसका आविष्कार हो गया और गणना के लिए किया गया था। ये संसार का प्रथम गणना यंत्र है। ये प्रश्न आता है कि प्रथम गणक यंत्र, फर्स्ट कैलकुलेशन किसको बोला जाता है, यंत्र मशीन किसको बोला जाता है, तो आप बोलोगे सर पहला गणना यंत्र या गणक किसे बोला जाता है, तो आप बोलोगे प्रथम गणक के रूप में हमारा अबेकस था, क्लियर। फिर आगे आते हैं, इसमें वो ही हो गया, तारों के मन के पिरोकर सहायता, कुछ इतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है, क्लियर। तो नॉर्मल सा था कि भैया अबेकस में दो लाइन याद रखनी है, विश्व का पहला गणना यंत्र था और इसे बेबीलोन में तैयार किया गया था, इस प्रकार का ये चित्र है। अब हम आगे आते हैं, अब दूसरा आया था पास्कलाइन, ये देखिए इस तरह से एक मशीन तैयार कर दी थी। अब क्या हो गया, पहला विश्व का गणना यंत्र कौन सा था, नॉर्मली तैयार किया था लकड़ी के द्वारा, अब एक मशीन बना दी, देखो इस तरह से इस पे लिखते थे, जोड़ और घटाओ का काम करती थी ये मशीन। ये किसने बनाई थी, तो आप बोलोगे सर ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ब्लेज पास्कल के द्वारा तैयार की गई थी, ब्लेज पास्कल। पास्कल एक गणितज्ञ थे बहुत बड़े, ब्लेज पास्कल ने क्या किया था, पास्कलाइन को बनाया था। ये जोड़ और घटाओ का काम करती थी, ये क्या करती थी, जोड़ और घटाओ का काम करती थी, जोड़ना घटाने का काम करती थी। और ये क्या था, एक यंत्र था, ये अभी तक यंत्र नहीं बनाया था, याद रखना यंत्र था, ये मशीन थी। वो पहले वाला विश्व का पहला गणना यंत्र टाइप का था, ये मैकेनिकली मतलब यंत्र है, ये यांत्रिक है, मैकेनिकली है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है विश्व का पहली यांत्रिक गणना मशीन, यांत्रिक मैकेनिकली एडिंग मशीन, यांत्रिक गणना मशीन कौन सी थी, गणना मशीन आ गई। अब ये पहले वो यंत्र अकेला था नॉर्मली, अब ये मशीन के रूप में तैयार कर दिया गया था इसे। तो पेपर में क्वेश्चन आता है पहला यांत्रिक गणना मशीन, या इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एडिंग मशीन, एडिंग, मैं एंड में सब बताऊंगा, बस आप सुनते चलना, एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है मशीन, या मैकेनिकली एडिंग मशीन के नाम से भी। तो पहला कौन सा था विश्व की पहली गणना यंत्र, तो आप बोलोगे सर अबेकस था। दूसरा क्वेश्चन आएगा विश्व का पहला यांत्रिक गणना मशीन कौन सी थी, तो आप बोलोगे यांत्रिक गणना मशीन कौन सी आ जाएगी, पास्कलाइन। देखिए फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने
1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ घटाव कर सकती थी, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, एडिंग मशीन किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। अब धीरे से अब कंप्यूटर का विकास होगा। अब आपके सामने आएगा सबसे पहला इंजन। एक इंजन बना दिया जिसका नाम था डिफरेंशियल इंजन। क्या नाम है इसका? डिफरेंशियल इंजन। तो ये देखो, डिफरेंशियल इंजन बनाया। यहां पर आपको दिख रहा है एक इंजन था, हाथ से चलता था, ये अपने आप नहीं चलता था, हाथ से चलाया जाता था और ये जोड़ घटाना ऐसे खट 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 करता था। मशीन थी एक तरह की। तो याद रखना, बस इसे तैयार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने तैयार किया था। यही तो भैया आगे चल के मशहूर हो गए। इन्हीं को बोला जाता है कंप्यूटर का पितामह। 2 दिसंबर को आपको पता है कंप्यूटर दिवस मनाते हैं, तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? पितामह, पापा। तो आप बोलोगे चार्ल्स बेबेज को। और इन्होंने कौन सा इंजन बनाया? डिफरेंशियल इंजन। लेकिन दिक्कत ये थी, इसमें कोई प्रोग्राम नहीं था, नॉर्मल सी मशीन थी, ये हाथ से चलती थी, घुमाओ तो बहुत दिक्कतें आईं। लेकिन इनको फंडिंग मिली, रुपया मिला, तो इन्होंने इसको अपडेट किया और एक नई मशीन तैयार कर दी। पहले इतना क्लियर हो गया, पहले कौन सा आया? डिफरेंशियल इंजन। उसके बाद में आया एनालिटिकल इंजन। देखो डिफरेंशियल इंजन में आप देखो, ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलने वाला चलता था और गणनाएं करता था। क्लियर? नॉर्मली भाप से चलाते थे और घुमाते जाते थे, तो ये गणनाएं करता था। फिर इन्होंने क्या किया? एक एनालिटिकल इंजन बनाया। मैं यहीं पर बता देता हूं, चलिए बोर्ड पर आपको एक बार यहां बता देता हूं। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल एनालिटिकल इंजन। ये सुनना मेरी बात, एनालिटिकल इंजन में आपको कुछ याद रखना है। एनालिटिकल इंजन बनाया चार्ल्स बेबेज नहीं था, लेकिन इसमें क्या करा था? प्रोग्राम डाला गया। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, पहली प्रोग्राम वाला गणना यंत्र कौन सा था? तो आप बोलोगे सर एनालिटिकल इंजन। प्रोग्राम किसने डाला? तो प्रोग्राम डाला था एक, इन्हीं की शिष्या थी लेडी एडा अगस्ता। क्या नाम था इनका? कुछ कठिन नहीं है, अगस्त में पैदा हुई थी ये अगस्ता, लेडी एडा अगस्ता। इन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया का फर्स्ट प्रोग्रामर, पहला, विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? पेपर में क्वेश्चन आता है, विश्व का पहला प्रोग्रामर। तो आप बोल दोगे सर लेडी एडा अगस्ता को बोला जाता है। और इसका यूज जनरल पर्पस के लिए होने लगा था। नॉर्मली लोग इसका यूज करने लगे थे गणना करने में, याद रखना। इसीलिए पहला जनरल पर्पस के लिए उपयोग की गई यांत्रिक गणना मशीन कौन सी थी? तो एनालिटिकल इंजन। पहली गणना मशीन कौन सी थी जिसमें प्रोग्राम डाला गया था? एनालिटिकल इंजन। और ये डाटा को स्टोर करता था किस रूप में? पंच कार्ड के रूप में। पंच, आप जानते हो ना, लड़ाई हो जाती है, उसने मुझ में पंच मारा था मम्मी पहले, मेरी गलती क्या थी? तो पंच, तो ऐसी एक कागज रहता है और कागज पर क्या किया जाता है? पंच मारा जाता है, खट 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 छेद हो जाते हैं, और पंच कार्ड रीडर में से डाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है? वो पढ़ लेता है 2+2=4, 6 गुणा, याद रखना। अब इसी का यूज करके, एनालिटिकल इंजन का यूज करके अमेरिका में एक यंत्र बनाया जिसका नाम क्या है? सेंसस टेबुलेटर। क्या नाम है? सेंसस तो आप लोग जानते हो, गणना करते हैं, सेंसस टेबुलेटर। तो इसके बारे में बस आपको एक लाइन याद रखनी है कि इसका यूज कहाँ किया गया था? अमेरिकी जनगणना में इसका यूज़ किया गया था सबसे पहले। और ये भी क्या करता था? पंच कार्ड का यूज़ करता था, वही मशीन को डाल दिया था इसमें, पंच कार्ड का यूज़ करता था ये स्टोर करने के लिए, सेंसस टेबुलेटर। क्लियर? और ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था हरमन होलेरिथ ने। हरमन होलेरिथ होलेरिथ
देखो आपके पेपर में ये पूरी चीजें दी गई हैं और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी आप छोड़ कर आओ। पहला लेक्चर है, विकास पढ़ रहे हैं तो आपको धांसू तरीके से चीजें आनी चाहिए, क्लियर। तो अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित, अभी तक क्या हो गया था, हाथ से घुमाना पड़ रहा था डिफरेंशियल इंजन को, एनालिटिकल इंजन अपने आप चलेगा स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। आपने एक बार चालू कर दिया, वो अपने आप पंच कार्ड लगा दिया तो अपने आप चलेगा, उसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। तथा मूलभूत अंक गणतीय गणनाएं जोड़ घटाओ गुणा भाग कर सकती थी। अब देखो लेडी एडा अगस्ता, ये देखिए खड़ी हुई हैं, ये इनकी शिष्या थी लेडी एडा अगस्ता। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम डाल दिया, अतः उन्हें दुनिया का क्या कहा जाने लगा, पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। उन्हें दो अंकों की संख्या बाइनरी भाषा के आविष्कार का श्रेय भी जाता है। अब प्रोग्राम कंप्यूटर किस भाषा में समझता है, जीरो और वन, और जीरो और वन को ऑन और ऑफ के रूप में जाना जाता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज का जनक भी किसे माना जाता है, लेडी एडा अगस्ता को। लेकिन बाद में जॉन वॉन न्यूमैन करके एक वैज्ञानिक आएंगे, उन्होंने बाइनरी लैंग्वेज पर बहुत काम किया है। तो कुछ शब्द आपको देखो शुरुआत में याद करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, कोई कठिन नहीं होता कोई भी चीज़। फिर एक सेंसस टेबुलेटर यंत्र बनाया इसी इंजन का उपयोग करके, और इससे अमेरिका की जनगणना कराई गई, ये कंप्यूटर का विकास है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ ने, मैंने अभी नाम बताया, ने इस विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया। अब ये क्या हो गया, विद्युत से चलने वाला यंत्र था। अब प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया, इन्हें कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी कार्ड के रूप में पंच कार्ड का यूज़ किया, डाटा को स्टोर करने के लिए। पंच कार्ड का श्रेय भी जाता है हरमन होलेरिथ को। पंच कार्ड कागज का एक बना कार्ड होता है जिसमें पंच द्वारा ऐसे देखो, ये देखो खट 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 करते हैं ना, तो ऐसे आपने टाइपिंग मशीन देखी होगी तो गड्ढे करता जाता है वो, पंच कार्ड के द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था। पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डाटा को पढ़ा जाता था। कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने से पहले पंच कार्ड का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ा बुनने की मशीनों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता था। मतलब सीधी बात ये बोल रहे हैं, पंच कार्ड पहले से ही यूज़ में आ रहे थे, मतलब जो कपड़ा बुनकर थे ना वो स्टोर अपनी मशीन में इस पंच कार्ड को लगाते थे। जैसे आजकल मेमोरी हो गई, हम हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रैम रोम, तो पहले पंच कार्ड यूज़ होते थे। हम आगे इसको पढ़ेंगे भी। तो पहले इतना क्लियर हुआ, सबसे पहला विश्व का गणना यंत्र कौन सा था, अबेकस। फिर यांत्रिक गणना मशीन कौन सी थी, तो आप बोल दोगे पास्कलाइन थी। फिर डिफरेंशियल इंजन आया जो क्या, हाथ से चलाना पड़ता था। फिर एनालिटिकल इंजन आया, प्रोग्राम आधारित था, और स्वचालित गणना यंत्र था, क्लियर, स्वचालित था, अभी पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं था। लेकिन अब जो कंप्यूटर आएगा मार्क वन, कौन सा आएगा, मार्क वन। तो मार्क वन की विशेषता क्या थी, मार्क वन की विशेषता थी कि ये अपने आप पूर्ण स्वचालित यांत्रिक गणना मशीन थी, पूर्ण स्वचालित। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, देखिए सबसे पहले इसे किसने बनाया था, IBM ने बनाया था। IBM कौन है सर, तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस, देखो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से इसे जाना जाता है, एक कंपनी है IBM, फुल फॉर्म पूछ सकता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग से वैज्ञानिक हार्वर्ड आईकेन, अभी मैंने इनका नाम बताया था, हार्वर्ड आईकेन ने क्या किया था कि निर्देशों में विश्व के प्रथम, ये क्वेश्चन आएगा इसको आपको याद रखना है, पूर्ण स्वचालित क्या जाएगा, पूर्ण स्वचालित, ये देखिए पूर्ण स्वचालित, प्रथम पूर्ण स्वचालित, वो एनालिटिकल इंजन स्वचालित था, ये पूर्ण स्वचालित विद्युत से चलने वाला यांत्रिक गणना मशीन, मैकेनिकल एडिंग मशीन। यांत्रिक गणना मशीन तो पहले ही बना दी थी हमने, देख लिया था कि अबेकस के बाद में पास्कलाइन, लेकिन पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना मशीन कौन सी आ जाएगी, तो आप बोलोगे मार्क वन। क्लियर हो रहा है अंतर, मार्क वन बन गया पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र। अभी तक इनमें किसी भी प्रकार की डिजिटली चीज़ें नहीं आई, अभी बस मशीन बन रही थी, एक प्रकार की मोटरें बन रही थी। अब काम थोड़ा सा अच्छा किया जाएगा, अब इसमें एक नया कंप्यूटर आएगा। चलिए मैं आपको पहले बोर्ड पर इस पर समझा देता हूँ, बोर्ड पर समझा देता हूं कि भैया हमने कौन सा देखा, मार्क वन देखा, पहले कौन सा आया, मार्क वन आया सर, मार्क वन किसने बनाया, हार्वर्ड आईकेन ने बनाया, किसने बनाया, हार्वर्ड आईकेन ने। तो ये याद रखना, देखो इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं,
हॉवर्ड आईकेन ने बनाया, और ये कैसा था, पूर्ण स्वचालित था, पूर्ण रूपेण, ध्यान से सुनना, पूर्ण स्वचालित, अपने आप चलता था, एक बार उसमें सारे प्रोग्राम डाल दो, पूर्ण स्वचालित, यांत्रिक, विद्युत से चलता था, यांत्रिक विद्युत गणना यंत्र, यांत्रिक विद्युत से चलने वाला विद्युत गणना यंत्र था, विद्युत से चलता था, विद्युत गणना यंत्र था, क्लियर। अभी इसमें डिजिटली बिल्कुल भी कुछ काम नहीं होता था, डिजिट के रूप में जीरो और वन के रूप में अभी कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपने देखा पूर्ण स्वचालित। अब इसके बाद में कौन सा आया, मार्क वन के बाद में एबीसी कंप्यूटर आया, कौन सा आया, एबीसी, तो यहां पर जाएगा एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, एटनासॉफ बेरी, एटनासॉफ बेरी, क्लिफोर्ड बेरी नाम बता दूंगा, और यह आ जाएगा कंप्यूटर, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, एबीसी कंप्यूटर आया। अब ये कैसा था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का पहला, अब देखो कैसा आ गया ये, विश्व का पहला, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, डिजिटल डिजिट का यूज होने लगा, डिजिटल कंप्यूटर था, यानी गणना यंत्र था। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यूज होने लगा था और डिजिटल रूप में, जीरो और वन के रूप में, तो वो था आपका एबीसी कंप्यूटर। लेकिन यहां पर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, पूर्ण नहीं लिखा, यहां पर अगर पूर्ण शब्द जोड़ दें, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, तो यहां पर एक नया बन जाएगा जिसका नाम आ जाएगा एनियक। देखो अगर आप पेपर में पास होना चाहते हो तो आना चाहिए ये चीजें आपको, एनियक, एनियक। तो सर एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक, याद रखना पूछेगा वो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ये पूछते ही पूछता है, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर एंड सी फॉर कंप्यूटर। तो एनियक कंप्यूटर आ चुका था, और ये कैसा था, ये पूर्ण, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक लिख देता हूं मैं, ये पूर्ण था, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक। आप ध्यान देना वहां प्रथम था, ये पूर्ण है, पूर्ण, देखो यहां पर बस इतना अंतर है, यहां पर इन्होंने क्या करा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, यहां पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, क्लियर, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हो गया। पेपर में यही क्वेश्चन आता, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, पूर्ण रूपेण, तो आप बोलोगे एनियक था, एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखो दोस्त दो चार बार पढ़ोगे, क्योंकि आपके सिलेबस में कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान है और आपसे कंप्यूटर पूछेगा, मैं आपको ए टू जेड चीज़ें बता रहा हूँ, सारी चीज़ें हम विकास पढ़ रहे हैं पहले। अब जो एनियक था ना, इसकी दिक्कत क्या थी, एनियक की सबसे बड़ी दिक्कत थी भाई साहब कि इसमें आप डाटा जो भी यूज़ करते थे, इसमें प्रोग्राम नहीं डाला गया था, तो इसमें कोई भी चीज़ चेंज करनी होती थी बहुत दिक्कत आती थी। तब फिर एक और निकाल के लाए, एक और कंप्यूटर आपके सामने निकाल कर लाए, जिसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे एडवेक, कौन सा कंप्यूटर आएगा, एडवेक। तो एडवेक का फुल फॉर्म पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक इसी का रूप था, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वेरिएबल, वेरिएबल ए फॉर ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, क्लियर। तो डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक, इसमें क्या कर दिया गया था, इसमें सिर्फ जोड़ दिया गया था क्या, प्रोग्राम, इसमें क्या डाल दिया गया था, दिख रहा है, ये पेन ले लेता हूँ मैं, ब्लैक ब्लू ले लेते हैं, ब्लू, इसमें क्या कर दिया गया था, प्रोग्राम डाल दिया गया था, प्रोग्राम डाल दिया था, डाल दिया था। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, पहली गणना मशीन या पहली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन जिसमें प्रोग्राम डाला गया था, तो आप बोल दोगे एडवेक, और पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, एनियक था, और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कौन सा था, एबीसी था। अब आप तीनों में अंतर समझ गए होगे। अब कंप्यूटर का उपयोग क्या होगा, धीरे धीरे सभी लोग करने लगेंगे, आकार छोटा होने लगेगा, और अब कौन सा कंप्यूटर निकल कर आएगा, तो अब कंप्यूटर निकल कर आएगा यूनिवेक,
कौन सा आ जाएगा, यूनिवैक। तो यहां फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल, सब लोग यूज करेंगे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक अपने आप चलने वाला कंप्यूटर, कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर की खासियत क्या थी, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर, व्यावसायिक उपयोग में लिया गया, व्यावसायिक कंप्यूटर था, व्यावसायिक कंप्यूटर व्यावसायिक उपयोग में लिया गया, उपयोग में लिया गया कंप्यूटर, लिया गया कंप्यूटर। तो पेपर में देखो यही प्रश्न आते हैं, बस आपको पता नहीं रहता, और मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो पेपर में आएगा, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल मतलब हर जगह व्यापारिक में यूज होने लगा। लेकिन अभी दिक्कत थी, कंप्यूटर बड़े होते थे, अब छोटे करना था, तो एप्पल कंपनी आगे आई और एप्पल कंपनी ने अपना निकाल दिया कंप्यूटर, एप्पल AEEPLE, एप्पल सेकेंड, एप्पल टू। ये कैसा हो गया, पहला माइक्रो कंप्यूटर था, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सर ये माइक्रो क्या होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब होता है ऐसे कंप्यूटर जिन्हें हम आप टेबल पे रख के यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, पीडीए, नोटबुक। ये हम आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकारों में, अभी हम कंप्यूटर का विकास देख रहे हैं। तो एप्पल कंपनी ने एप्पल टू निकाला जो प्रथम माइक्रो कंप्यूटर था। फिर इसके बाद तो पोर्टेबल कंप्यूटर निकल के आए, एडम ऑसबोर्न एक व्यक्ति का नाम है, लास्ट नाम और सुन लो, एडम ऑसबोर्न। क्या नाम था, एडम ऑसबोर्न। पोर्टेबल कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है, उठाकर ले जाने वाले, पोर्टेबल कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है, कंप्यूटर का जनक। तो आप बोलोगे ये पोर्टेबल कंप्यूटर एडम ऑसबोर्न ने बनाए, एडम ऑसबोर्न ने, ऑसबोर्न ने बनाए, याद रखना। फिर तो आप वर्तमान समय में सुपर कंप्यूटर तक बन गए हैं, और सेम्योर क्रे ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया, जो मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए, अब आपके दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजेगी, अब मैं जो आपको बताऊंगा वो सब समझ में आएगा। मार्क वन के बाद में कौन सा आया, ABC, एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर के नाम से इसे जाना जाता था, ये ऐसा दिखता था, क्लियर। और देखो इसे किसने बनाया था, तो आप बोलोगे सर जॉन एटनासॉफ्ट, जॉन एटनासॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी ने इस कंप्यूटर को बनाया था, वैज्ञानिकों ने मिलकर, संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। देखो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अभी तक हम देख रहे थे कि भैया अभी तक जो कंप्यूटर बन रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र बन रहे थे, मतलब विद्युत से चलने वाले यंत्र थे। अब क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली कंप्यूटरों का विकास होने लगा, आविष्कार किया, इन्हीं के नाम पर इसका कंप्यूटर का नाम पड़ गया। अब इसके बाद में कौन सा आया, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था डिजिटली रूप में। तो ये देखो यहाँ पर सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, किसने बनाया, तो 1946 में अमेरिका के वैज्ञानिक JP एकर्ड के द्वारा, और जॉन मुचली ने इनका साथ दिया। अगर नाम याद हो जाए तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक था ये, याद रखना, पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसे ENIAC नाम दिया, लेकिन इसमें प्रोग्राम नहीं डाला था, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल भी था ये कंप्यूटर पूर्ण रूपेण। इसके बाद में ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन था, इससे निपटने के लिए जॉन वॉन न्यूमैन ने संग्रहित स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा पर ADVAC बनाया। ADVAC का फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सिर्फ फुल फॉर्म याद रखो, और इतना याद रखो कि इसमें डाटा स्टोर होता था। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन का है, जिन्हें इन्हें डाटा और अनुदेश इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं कंप्यूटर को देते हैं, दोनों को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय जाता है। मतलब अगर पूछा जाए आधुनिक कंप्यूटरों में बाइनरी सिस्टम के योगदान में किसका सबसे ज़्यादा योगदान है, तो आप बोलोगे जॉन वॉन न्यूमैन, क्लियर, सरल सा था। अब देखो ये आ गया यूनिवैक, इस प्रकार से बैठकर उपयोग किया जाने लगा था उद्योगों में, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य कार्यों में किया जाने लगा।
प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक 1 था। इतना याद रखना, यूनिवेक का निर्माण 1954 में GEC जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने किया था। ये भी कभी पूछ लेता है कि किसने किया, तो जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने किया। इसके बाद तो भैया माइक्रो प्रोसेसर का विकास हो गया था, इंटेल ने किया। एक छोटी सी चिप होती है जिस पर हजारों ट्रांजिस्टर और रजिस्टर लगे होते हैं और कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। तो याद रखना, इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे छोटे आकार के कंप्यूटरों का निर्माण संभव हुआ, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। माइक्रो कंप्यूटर आपका डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, पाम टॉप होता है, आपका मोबाइल भी माइक्रो कंप्यूटर में आता है। इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन तथा AMD वर्तमान में प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर हैं। ये हम आगे देखेंगे पीढ़ियों में। एप्पल II आ गया भाई साहब, छोटा सा आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर पूछे, प्रथम व्यावसायिक पूछे तो यूनिवेक, और पहला अगर आपसे पूछे व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर तो आप क्या लगा दोगे, आप इजीली लगा दोगे Apple II। अब देखो, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पेपर में कैसे पूछा जाता है, एक बार उस पर भी हम नजर मार लेते हैं। ये देखिए, विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, अवेकस आप बता दोगे, बेबीलोन में बनाया। आपसे पूछा जाएगा मैकेनिकल यांत्रिक गणना यंत्र, पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल ने बनाया था यांत्रिक गणना यंत्र, अब आप समझ रहे हो। फिर आया विश्व का प्रथम प्रोग्रामर, लेडी एडा अगस्ता, आप बता दोगे। विश्व का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, एनालिटिकल इंजन, और इसमें ही प्रोग्राम डाला गया था, तो आप बोलोगे विश्व का पहला प्रोग्रामिंग यंत्र एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसीलिए इन्हें पितामह बोलते हैं कंप्यूटर का। इसके बाद कौन सा आया, तो आप बोलोगे विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र, अभी तक डिजिटल नहीं है, पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र Mark I आ गया। अब डिजिटल आएगा तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, यहां पर पूर्ण स्वचालित है और विद्युत है, और यहां देखो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है, तो डिजिटल कंप्यूटर। आगे आते हैं, इसके बाद में एनियाक आया, विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपसे पूछे, पहला पूछे तो ABC, पूर्ण पूछे तो एनियाक, एनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर आया प्रोग्राम पर आधारित पहला कंप्यूटर, तो एडवेक, एडवेक का फुल फॉर्म आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। फिर विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। विश्व का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर तो Apple II। फिर विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, सेम्योर क्रे ने बनाया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कंप्यूटर के प्रकार में। विश्व का पहला पोर्टेबल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, ऑडम ऑसबोर्न ने बनाया था, किसने बनाया था, ऑसबोर्न ने। क्या इतना क्लियर हुआ, क्या इतना क्लियर हुआ मुझे बताओ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ। ये कंप्यूटर का बेसिक था कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या काम करता है, तो हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में किस प्रकार से कंप्यूटर की अहम भूमिका है, ये भी हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि सामान्य उद्देश्य के, विशेष उद्देश्य के, आकार के आधार पर कंप्यूटर, उपयोग के आधार पर कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर, आप देखोगे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, सारी चीज़ों के बारे में, DNA के कंप्यूटर, तो इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आप हमारा फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं कंप्यूटर का, तो मात्र ₹199 में एप्लीकेशन पर मिल रहा है, तो अभी GS जीनियस अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई जा रही है। कैसा लगा लेक्चर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।